हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 12.8 सेंटीमीटर एंड 11.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर विथ फोर साइड्स, करेक्ट। आप क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप का ले सकते हो यहाँ पर, और वहां उसके बाद हमको गिवन है कि दो उसका जो ऑपोजिट वर्टिसेस है उसको परपेंडिकुलर, मतलब दो ऑपोजिट वर्टिसेस से वो ड्रॉन किया गया है परपेंडिकुलर। वो कैसे करते हैं हम पहले ड्रॉ करके समझ लेते हैं, करेक्ट। पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, क्लोज्ड फिगर होगा पर फोर साइड मस्ट रहना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मींस फोर, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो एक उसका ये क्या है, डायगोनल है, तो ऑपोजिट वर्टिसेस से ये जो ऑपोजिट मतलब ये जो लाइन है, मतलब ये जो डायगोनल है, द ऑपोजिट वर्टिसेस आर 12.8 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर ये एक ऑपोजिट होगा इसका और ये भी इसका, करेक्ट। आप अगर ऐसे भी लोगे, ये इसका और ये उसका है कि नहीं, तो हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां से? ऑपोजिट वर्टिसेस से, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब वो बोला है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो कितना, पहले हम इसको क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे, करेक्ट। तो ए बी सी डी, और इसको मैं क्या करूंगी, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी क्योंकि इस डायगोनल का ये भी एक ऑपोजिट है। तो इस एंगल एंड इस एंगल क्या होगा, 90 डिग्री सेम टू सेम यहां पर है कि नहीं। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, तब ऐसे आपको ड्रॉ करना है जैसे कि परपेंडिकुलर वर्टिसेस से हो सके। अभी हमको ठीक लग रहा है, ठीक है, हो गया। हमने नेमिंग कर दिया, और इसको मैं ई ले रही हूं, इसको एफ ले रही हूं, मतलब डी ई परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी एंड एफ बी, बी एफ कुछ भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी हमारा कॉमन है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, मतलब टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हमको दो ट्राइंगल मिल गया, ये जो डायगोनल हमने बनाया है ना, तो डायगोनल हमारा दो ट्रायंगल में वो डिवाइड करता है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या क्या लेके उसका सॉल्यूशन, मतलब हम सॉल्व कर सकेंगे। देखो एक तो बेस मिल गया और ये हाइट हो गया है कि नहीं, तो इसको लेके हम उसी फॉर्मूला बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल ट्राइंगल किससे, ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल है ए डी सी ट्राइंगल को लेंगे, तो उसी में हमारा बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल टू, आप ऐसे ऐसे लिख लेना जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे इज इक्वल टू कितना हमारा ये दिया गया है, 26 सेंटीमीटर। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर, करेक्ट। डायगोनल का हमारा दोनों उप के लिए कॉमन है, दोनों डायगोनल के लिए। एंड हाइट, ट्राइंगल एडीसी में हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू डीई, हमने डीई ले लिया। आपकी मर्जी, आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो, मैं ए बी सी डी करके यहां पर ई एफ लिया हूं, उसी तरह आपको खुद से करना है, जो नेमिंग करोगे उसी तरह आपको नाम देना है। तो डी हमारा कितना होगा, 12.8 सेंटीमीटर,
इसको मैं 12.8 लिया हूं और यहां पर हमने 12.2 सेंटीमीटर। FB को आप इसी को भी 11.2 भी ले सकते हो, इसको 12.8 भी ले सकते हो, करेक्ट। वो पहले 12.8 दिया था इसलिए मैंने इसको लिया और उसके बाद 11.2 लिया था, इसको दिया। तो इसके बाद हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 26, क्योंकि डायगोनल को हमने बेस लिया है, 26 इंटू हाइट कितना 12.8, हाफ इंटू 26 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 10, इसको कट करेंगे 2 में 4 और उसके बाद अगेन कट करेंगे 25 चा और इसको 13, तो 13 इंटू 64 कितना आ जाएगा, 832 कितना आया, 832 डिवाइडेड बाय 5, तो हम उसके बाद हम डिवाइड करना है 5, 51 जा 5, 3 ये 3 आ गया नीचे तो 56 जा 30, अगेन 3 आया और 2 नीचे आ जाएगा, 56 जा 30, करेक्ट। तो अभी 2 आ गया, पॉइंट देंगे 0 लगाएंगे, 54 जा 20 हुआ कि नहीं, इसको इरेज कर लेते हैं, तो 166.4 आंसर, मतलब उसका एरिया। तो 832 डिवाइडेड बाय 5 166.4 और उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर हमारा यूनिट दिया गया है, करेक्ट। ये फर्स्ट ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल दिए हैं, नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी करेक्ट, बेस इज इक्वल टू SC जो कि 26, क्योंकि वो ट्रायंगल के लिए वो कॉमन है। हाइट कितना, हाइट हम क्या लिया है, FB जो कि 11.2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूला हमको यूज करना है, क्यों, क्योंकि बेस एंड हाइट हमको गिवन है, तो हाफ इंटू 26 इंटू 11.2, हाफ इंटू 26 इंटू 12 बाय 10, सेम 2 में कट करेंगे, 2 5 जा एंड 2 6 जा, नेक्स्ट 2 5 जा और ये 13 इंटू 56 कितना 7 2 8 डिवाइडेड बाय 5 है कि नहीं। नेक्स्ट हम 5 में डिवाइड कर लेंगे, 51 जा 5, 2 54 जा 20, 2 8 55 जा 25 कितना आया, 3, पॉइंट लगाएंगे 0 डालेंगे तो 6, तो हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 145.6 और उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमको पता चल गया है, अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं, करेक्ट। टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमको क्वाड्रिलेटरल का चाहिए ना, और दो ट्रायंगल मिला के हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
ये जो क्वाड्रिलेटर का नेमिंग हमने क्या किया था, एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है कि नहीं। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना निकला था, 166.4 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ए बी सी का 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा, 166.4 145.6। थ्री वन टू पॉइंट जीरो आप पॉइंट दे भी सकते हो, नहीं भी देने से भी चलेगा, ठीक है। 31.0 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AB is equal to 28 centimeter, BC is equal to 26 centimeter, CD is equal to 50 centimeter, DA is equal to 40 centimeter and diagonal AC is 30 centimeter. Find the area of the quadrilateral. आपके बुक में ऐसे डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, नेमिंग ऑल्सो दिया गया है, और जहां पर जो जो मैं वैल्यू लिखा हूं वो भी आपको गिवन है, मतलब आप खुद से कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये करना है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने आपको क्या बोली थी कि क्वाड्रिलेटरल का कोई भी शेप हो सकता है, करेक्ट, बस वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और उसी में आपका एक डायगोनल होना चाहिए। क्लोज फिगर बनेगा तो चारों मतलब चार साइड उसका रहेगा तो डायगोनल अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डायगोनल भी ऑलरेडी गिवन है, पर जो ट्रायंगल बना है पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 में सेम टू सेम सॉल्व कर चुके हैं, जिसपे डायगोनल भी है, और जो उसी दो ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के सॉल्यूशन निकाले चुके हैं। तो अभी यहाँ पर दो ट्रायंगल तो बना है, पर एक बड़ा ट्रायंगल है एक छोटा ट्रायंगल है और ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे जो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर ए बी सी करके हमको करना है, उसी फॉर्मूला यूज करना है। ये जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला ए बी सी गिवन है, तो फॉर्मूला वो क्या था, ए बी सी हमको पहले अगर गिवन रहता तो एस निकालना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं वही हमको मेंशन करना होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी ए डी, आप कोई भी किसी लाइन को आप ए बी सी चूज कर सकते हो। मैं लेफ्ट से राइट को ले रही हूँ, लेफ्ट से राइट क्लोज्ड ट्रायंगल को ले रही हूँ, तो ए डी ए इज इक्वल टू मैं ए ले रही हूँ, ठीक है। यहां से यहां ऐसे जाएगा मेरा तो 40 सेंटीमीटर, और एसी को मैं क्या लूंगी, बी लूंगी जो कि 30 सेंटीमीटर। अब किसी को भी कोई नेमिंग कर सकते हो, पर वैल्यू हमारा तो सेम तो आएगा ही ना। तो यहां पर सीडी को मैं क्या लूंगी, सी लूंगी जो कि 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। एबीसी हमको पता चल गया है, तो एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, 40 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टू कितना आ जाएगा, 40 30 50 120 डिवाइडेड बाय टू जो कि 60 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एस माइनस ए, क्यों, क्योंकि एरिया भी निकालना है उसी ट्रायंगल का, तो एस हमारा 60 माइनस ए 40 है 20, एस माइनस बी सेंटीमीटर लिख भी सकते हो, एस माइनस बी 60 माइनस बी कितना 30 जो कि 30 सेंटीमीटर, एस माइनस सी कितना 60 माइनस 50 जो कि 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट हमको एरिया निकालना है, एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए सी डी हम लिए थे इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस हमारा कितना निकला था 60 एस माइनस ए हमारा कितना निकला था एस माइनस ए हम 40 लिए थे तो वो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 और ये 60 माइनस 30 कितना 30 और ये 10 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। अभी हम इसको ब्रेक करेंगे ठीक है तो 6 इंटू 10 होगा ये 2 इंटू 10 नेक्स्ट 3 इंटू 10 और ये जो लास्ट 10 वैसा को वैसा रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अभी क्या करेंगे 6 को 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे और जो था उसी को हम लिख देंगे उसके बाद हम पेयर करेंगे आ गया। अगेन हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे क्यों क्योंकि अभी तक हमने स्क्वायर रूट को नहीं हटाया है जब तक हमको पेयर नहीं मिलेगा हम स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स को रखते जाएंगे। अभी हमको पेयर मिल गया है देखो 2 2 1 2 3 3 1 3 10 10 1 10 है नेक्स्ट 10 10 1 10 है आ गया। अभी हमको स्क्वायर रूट नहीं देना है क्योंकि पेयर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अभी वैल्यू निकालेंगे कितना 600 और उसका सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है और हमारा यूनिट सेंटीमीटर पे था आ गया। एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ए बी सी पहले हम क्या लिए थे ए सी डी को लिए थे इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लेंगे इसको ए लेंगे बी लेंगे इसको सी ले लेंगे। आप ए लेना चाहते हो इसको ले सकते हो आपकी मर्जी आपको किसी को भी ए बी सी करके ले सकते हो। मैं राइट पे लेफ्ट को जाके वो क्लोज ट्रायंगल को ले रही हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इजिकल टू ए इजिकल टू 28 सेंटीमीटर नेक्स्ट बी सी इजिकल टू बी जो कि 26 सेंटीमीटर एंड लास्ट हमारा सी ए सी ए इजिकल टू सी जो कि 30 सेंटीमीटर है कि नहीं करेक्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे एस जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4 सॉरी 84 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 42 सेंटीमीटर एस आ गया। नेक्स्ट एक्स एस माइनस ए हमारा कितना आएगा 42 माइनस 28 कितना 41 एस माइनस बी अगेन 42 माइनस 26 16 एस माइनस सी 42 माइनस 30 कितना 2 14 16 12 करेक्ट। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया। नेक्स्ट हमको एरिया निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे एस कितना निकला था 42 और उसके बाद हमारा एस माइनस ए यहां पर पहले लिख देंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उसके बाद हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या लेंगे 42 इंटू डायरेक्टली इंटू कर लेंगे और ये जो कितना 14 इंटू कितना 16 इंटू ये कितना आ जाएगा 12 इसको ब्रेक करेंगे अभी 6 इंटू 7 2 इंटू 7 2 इंटू सॉरी 4 इंटू 4 इसको कर लेंगे इजी हो जाएगा 2 इंटू 6 पेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है 6 6 6 7 7 7 2 2 2 और 4 आ गया। अभी हमको स्क्वायर रूट नहीं देना है मैंने आपको बोली थी पेयर करने के बाद स्क्वायर रूट नहीं लगाना है और अभी
336 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इरेज कर लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या करना था, टोटल टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले हमारा कितना निकला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले हमारा 600 निकला था, तो टोटल हमारा 936 सेंटीमीटर इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको पूछा गया है, जिसका वैल्यू 936 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।